ओम शांति, आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम कर रहे हैं 19 अप्रैल की रिकॉर्डिंग, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम दृढ़ संकल्पों के द्वारा और सच्चे होकर के परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा ले रहे हैं। मतलब क्या है प्रत्यक्षता? मतलब कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। उनका अवतरण कोई माँ की कोख से नहीं होता, लेकिन उनका अवतरण होता है किसी वृद्ध मनुष्य के तन में, जिसको कि हम कहते हैं आदम या ब्रह्मा। उनके तन में प्रवेश करके वो फिर से नई दुनिया की रचना करना शुरू करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि दुनिया पुरानी हो चुकी है? क्या आप मानते हैं कि हमारी सोच पुरानी और मलिच, मतलब कि अपवित्र हो चुकी है? अगर नहीं तो ये कलयुग क्यों है? कलयुग का मतलब यह है कि 5 तत्व 5 एलिमेंट्स भी पुराने हो गए हैं, थक गए हैं, मैले हो गए हैं, और हमारी सोच हमारा मन भी मैला हो चुका है, तभी तो इसको कलयुग कहते हैं। तो इस समय सारे धर्म होते हुए, सारे प्रांत होते हुए, साधे सिद्ध सन्यासी होते हुए, साधु होते हुए, पंडित होते हुए भी इस दुनिया में आज शांति नहीं है। तो किसको आना पड़ेगा? खुद आ, तभी कहते हैं खुदा। तो खुद उनको आना पड़ता है, और फिर हम सब बच्चों को, हम सब रचनाओं को मुक्ति का सच्चा रास्ता दिखाना पड़ता है। तो इसलिए आज का ये वरदान उस इन बातों पर निर्धारित है। देखें परमात्मा कहते क्या है वरदान में, इस समय हर समय अपने दिल में, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा, बाप मतलब फादर, गॉड फादर, पिता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। विस्तार में चलते हैं। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। जब कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो चाहता है कि इस इंसान, ये जो व्यक्ति है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसको मैं परिचय करवाऊँ, उसका अपने साथियों के साथ में, संबंधियों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। क्यों? बहुत प्यार है और बहुत गुणवान है वो व्यक्ति, उसके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि आप तभी तो प्यार करते हैं उससे। इसी तरह से हमारा परमात्मा से प्यार अटूट हो जाता है और उनको हम पहचानना शुरू करते हैं, उनकी शक्तियाँ, उनके गुण, उनकी सोच, उनकी बातें इतनी मीठी लगती हैं। तो फिर हम चाहते हैं कि हर कोई ऐसे रचयिता जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, सारी दुनिया पूजा कर रही है उनकी, उनको पहचान जाए। ये एक बहुत ऊंची सोच रखनी परमात्मा में सिखाते हैं और ऑटोमेटिकली आता है क्योंकि प्यार है उनके साथ। फिर बाबा कहते हैं ऐसे अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। और हमारे बोल कैसे हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, उसके द्वारा तो भी हम अपने पिता को, उनको प्रत्यक्ष कर पाएंगे। तो सन मैं आत्मा, आप आत्मा शोज फादर, सन शोज फादर, कि बच्चा ही होता है जो कि अपने पिता का स्वरूप होता है। तो हम कैसे बच्चे हैं? हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म कैसे हैं? वे परमात्मा कहते हैं सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास, ये नहीं। तो जब परमात्मा ने हमें सारा ज्ञान दे दिया है, सारे चक्र के रास बता दिए हैं, ये बता दिया कि क्या सोचें ताकि मन सदा एकाग्र रहे, मन में हलचल ना आए, तो फिर वो ज्ञान अगर हम भूलें बीच बीच में तो उदासी आएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया तो कभी तुम खुश हो रहे हो, कभी तुम कोई परिस्थिति आई तो तुम उदास हो गए, ये नहीं। मैंने वो परिस्थिति के लिए भी तुम्हें ज्ञान दिया, क्या सोचना है, कैसे उसको आपको पार करना है, क्या शक्ति यूज़ करनी है, क्या गुण यूज़ करना है, सारा ज्ञान हमें हमेशा मिलता है। तो फिर आप उदास कैसे हो सकते हो, ये नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, बाबा मतलब पिता, परम पिता, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। किसका बाबा? मेरा। मीठे क्यों है वो? कोई इंसान मीठा क्यों लगता है?
जब वो बिना सोचे आकर के आपकी मदद करते हैं। आप कहते हैं यो सो स्वीट, आप कहते प्यारे हो कि आपको कैसे लगा कि मुझे ज़रूरत है, कि मुझे पेन हो रहा है तो आपने दवाई दे दी, या मुझे ये प्रॉब्लम है तो आपने मेरे को मदद कर दी, यो सो स्वीट। परमात्मा भी जब देखते हैं कि उनके बच्चे धरती पर बहुत ही दुखी हो चुके हैं, तो फिर उनको संकल्प आता है कि अब दुनिया पुरानी हो गई है, मेरे बच्चों की सोच पुरानी हो गई, इसलिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अब मुझे नीचे आना ही है। तो हमें आकर के हमें मीठी बातें बताते हैं, मीठा ज्ञान देते हैं, तो हम मीठे बन जाते हैं। जैसे हमारा मन मीठा हो जाता है, मुख से मिठास निकलती है, कर्मों में भी मिठास होती है। तो मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। अगर दुनिया मीठी लगती है और परमात्मा का मीठा लगता है तो कैसे प्रत्यक्ष करेंगे उनको, ये सोचने की बात है। इसके साथ ओम शांति।